अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद अन्वेश ने अपना यात्रा का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे अन्य व्यवसायों में भी प्रवेश किया। मैंने अपना व्यवसाय थोड़े पैसों से शुरू किया जो बहुत छोटी पूंजी है। मैंने एक छोटी सी इंडिका कार खरीदी जो एक सेकंड हैंड थी, जिसके माध्यम से मैंने अपने व्यवसाय को स्थापित किया था। धीरे धीरे मैंने व्यवसाय को बढ़ाया और मैं लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए एक उप विक्रेता बन गया और मैंने कई व्यवसाय में जैसे कि मुर्गी पालन, मछली पालन में छोटे निवेश किए। मैंने अपनी शुरुआत सिर्फ 1,00,000 रुपए से की थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से ऐसा हुआ। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, अन्वेश ने अपनी मसीह मूल्यों और नैतिकता के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। देखिए, इस परिवहन व्यवसाय में करों से बचने का जो आसान तरीका है वो सीमाओं पर करों का भुगतान नहीं करना है, वो एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा, एक वाणिज्यिक वाहन नहीं लेना है क्योंकि इसकी लागत नियमित प्राइवेट वाहनों से अधिक है। तो ये परिवहन में भ्रष्टाचार के दो तरीके हैं जो सरकार के लिए उच्च नुकसान का कारण बनते हैं। जल्द ही अन्वेश को अपने गैर कानूनी कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े। एक दिन की बात है जब मैं ग्राहक को लेने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहा था, जो कि कमर्शियल वाहन नहीं था, इसलिए तभी मेरा वाहन एक अन्य वाहन से जा टकराया जो कि एक IAS अधिकारी का था। इसलिए वो मुझे एक बड़ी समस्या में ले आया, इसलिए उसकी वजह से मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया। और जब वाहन पुलिस स्टेशन में चला गया तो वो समझ गए कि मैं इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में कर रहा हूँ और करों का भुगतान नहीं कर रहा हूँ। पुलिस केस और समझौते के बाद अन्वेश ने अपना व्यवसाय ईसाई नैतिकता और मूल्यों के साथ करने का फैसला किया। फिर मैं उन करों पर वापस गया जिनका मैंने भुगतान नहीं किया था। मैंने उन्हें फिर से सरकार को भुगतान किया और सभी वाहनों को वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। जब मैंने ईमानदारी की राह चुनी और मैंने अपने व्यवसाय में लाभ देखना शुरू किया, तब परमेश्वर इस व्यवसाय को इतना आशीषित कर रहे थे, तब मैंने अपने मुनाफे में से कुछ प्रतिशत सेवकाई को देना शुरू किया। आज अन्वेश परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें मुनाफे से पहले बाइबल के सिद्धांत अपनाने और हमेशा सही काम करने में मदद की। जीवन के हर हिस्से में, जीवन के हर कोने में और हर काम में हम भ्रष्टाचार देखते हैं और हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हमें समझौता करने की आवश्यकता होती है। तो उस समय एक मसीही होने के नाते यदि आप ईश्वर की नैतिकता के लिए खड़े रहते हैं तो ये वो जगह है जहां आपकी गवाही खड़ी होती है और यही वो जगह है जहां परमेश्वर की महिमा होती है। हमें इस दुनिया की रोशनी कहा जाता है, जहां हमें अंधेरे में उजाले की तरह खड़े होने की जरूरत है और हमें इस रोशनी को दुनिया को दिखाना है।